अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी। ये रेसिपी ना मैंने अपनी खाला से सीखी है, तो आप लोग भी ये रेसिपी सीखें और आप लोग भी लाजमी बनाइएगा, देखिएगा घर में सबको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए चैनल, ताकि हम रेसिपी को स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए ना हम लोगों ने सिंपली हम लोग आलू ले लेंगे, उनको हम लोगों ने बॉईल करके और मैश कर लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा इमली का पल्प, और इमली के पल्प में ही हम लोग ऐड कर देंगे नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। बस अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ले लिए एक बड़े साइज़ की प्याज, उसको हम लोगों ने अच्छे से ना स्लाइस करके और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसके अंदर जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी ना, तो हम लोग इसमें डाल देंगे मैश हुए हुए आलू। अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे मैश कर लें, छोटा बड़ा जैसे आपको अच्छा लगे। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ना जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था इमली का, नमक का और कुटी हुई लाल मिर्चों का, हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इस स्टेप के ऊपर ना अगर आपको लगे कि आपके आलू में ये चिपक रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आलूओं के ऊपर। खैर, इसके अंदर ना जब अच्छे से ये भुन जाएगा, तो फिर हम लोगों ने ना इसके अंदर डालना है कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ज़रा अच्छे अमाउंट में लेंगे हम लोग। इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के और हल्की आंच पे इसको हम लोग 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये देखें कितना मज़े का ये आलू का भुर्ता तैयार हो गया है।